एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ड्रीम्स लाइफ स्टाइल। सो गाइज, टुडे आई एम गोना शेयर माई न्यू बॉर्न बेबी एसेंशियल थिंग्स। सो हियर वी गो, दिस इज वेरी फर्स्ट आइटम, बेबी कॉट। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, ये बेबी कॉट जो है मेरे घर वालों ने बेबी को गिफ्ट किया था जब बेबी पैदा हुई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी बेबी गर्ल है और ये ब्लू में क्यों है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जब जेंडर रिवील नहीं हुआ था तब ये उन्होंने बाय किया था गुल सेंटर गुल प्लाजा कराची से, और इसकी प्राइस तकरीबन 17,000 है अराउंड। अच्छा, तो यहाँ पे बेबी का बिल्कुल अच्छा सा फोमी टाइप बिस्तर आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हैंगिंग टॉयज कुछ लगे हुए हैं, साथ में ये बटन्स भी हैं लाइट के, कुछ म्यूज़िक के। अभी यहाँ पे इसमें सेल नहीं है, वरना मैं आप लोगों को दिखाती चलती। और उसके अलावा इसमें ऑप्शन है, आप इसको निकाल कर रख सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं जब दिल करे। उसके अलावा ये ट्रे दिया गया है, ट्रे टाइप है, जब बेबी को आपने तैयार करना होता है तो इसमें बिठा के आप लोग तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया, एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया। और यहाँ जिप वाला पार्ट आ जाता है नीचे, आप जो है बेबी को प्ले एरिया भी बना के दे सकते हो, बेबी यहाँ से एंटर होगा। लेकिन इसको आप जब प्रेस डाउन करेंगे या पुश डाउन करेंगे तो बेबी जो है वो ये पूरा फॉर्म नीचे हो जाएगा और बेबी अंदर प्ले कर सकता है। यहाँ पर मैंने बिस्तर बेबी का लगा दिया है, मैं इसी तरह बेबी को यहाँ पे सुलाती हूँ, लेकिन मैं ये जो हैंगिंग आइटम्स हैं ये जो रात के टाइम पे मैं हटा देती हूँ, क्योंकि बेबी को मॉस्किटो बाइट ना करें, इसी वजह से मैं ये नेट लगा देती हूँ। ये भी इसी के साथ आई हुई थी। उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है यहाँ स्विंग का, जब बेबी रोती है तो मैं इस तरह जो है वो स्विंग करती हूँ, बेबी फिर चुप हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा है पार्ट। और उसके अलावा यहाँ साथ में पॉकेट भी दिया गया है। और यह नेक्स्ट आइटम तो ये है वॉकर, ये भी जब बेबी पैदा हुई थी उसी खुशी में दिया गया था। और मैं खुद सोच रही थी अभी तो बेबी छोटी है, जब बड़ी होगी तब जाके लेंगे, तो ये दिन इतने जल्दी गुजर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो ये बेबी जब 6-7 मंथ की हो जाए तो तब आप इसमें बिठा सकते हैं। मेरी बेबी माशाल्लाह से 8 मंथ की हो गई है, तो मैं उसको यहाँ पर बिठा देती हूँ, ये खेलती रहती है, इसमें लाइट भी है, म्यूज़िक वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही काम की चीज़ें। और ये भी गुल सेंटर से कराची से बाय किया हुआ था। उसके अलावा यहाँ थर्ड आइटम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है फोल्डिंग नेट। और ये मेरे पापा लाए थे जब मैं मायके गई थी, तो वहाँ पे बेबी को मॉस्किटो बाइट कर गए थे, तो वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, तो ये बाय किया है मकली से। यहाँ जो है रास्ते में ही इस तरह की नेट मिलती है, तो ये बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ है, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। तो इसको इसमें ही बेबी को मैं सुलाती थी जब मैं मायके जाती थी, क्योंकि बेबी कॉट तो मैं लेके जाने से रही, तो ये वाला बिल्कुल ईजी रहता है, बिल्कुल स्पेस इसमें कवर नहीं होता, क्योंकि ये फोल्डिंग है, अम्ब्रेला की तरह इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। उसके अलावा फोर्थ आइटम जो है वो है बेबी सोफ़ा। और ये बेबी को जब आप प्रैक्टिस करवाते हो बिठाने की, तब मैं बेबी को जो है इसमें बिठाती थी, और ये जो है बेबी की खाला ने दिया है, और इसका जो है ये कवर है। तो ये इसके अंदर जो है ओरिजिनल, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये इस तरह था, और ये कवर भी बाय किया था क्योंकि बेबी जो है मिला कर देते हैं, तो ये जो है ओरिजिनल इस तरह था। और ये बहुत ही अच्छी काम की चीज़ है, लेकिन मेरी बेबी इसमें बैठती ही नहीं। तो जी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, फोमी है, मैं बेबी को प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ, कभी ना कभी तो बैठ जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा ये है बेबी बाथर, बाथटब कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत ही काम की चीज़ है। सो बीइंग अ न्यू मॉम, मुझे बेबी को नहलाते वक्त शुरू शुरू में डर लगता था, लेकिन जब ये टब जो है मेरी सिस्टर ने दिया मुझे, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो गई। ये बिल्कुल इजी और कंफर्टेबल होता है बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। ये सिलिकॉन का ब्लू कलर का जो है यहाँ पे लगा हुआ है, और इजी तरीके से बेबी भी सेफ रहता है। उसके अलावा ये है बेबी कमोड, और ये भी बेबी के ननिहाल वालों ने गिफ्ट दिया था जब बेबी पैदा हुई थी, तो ये सारी चीज़ें उसी वक्त ही दे दी थी, यूज़ में अब आ रही हैं माशाल्लाह से। बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। अच्छा, बेबी को जो है मैं अभी से ही पॉटी ट्रेनिंग करवा रही हूँ, और ये भी गुल प्लाजा से ही लिया था, सारी चीज़ें वहीं से बाय की थी। कराची में एक वही अच्छी जगह है जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी की सारी चीज़ें मिलती हैं, और इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो गाइज़, ये बेबी कमोड बहुत ही अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल बेबी इसमें बैठती नहीं इजीली, क्योंकि वो डरती है, लेकिन आस्ते आस्ते करके मैं इसको जो है वो ट्रेन करवाती रहूँगी और वो सीख जाएगी। तो ये येलो और गोल्डन इस तरह का जो है इसका कलर है,
और यहाँ पे एक लिड है, उसके अलावा ये एक ड्रॉअर की तरह ओपन होता है। उसके बाद आप जब इसको वॉश करके फिर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सब काम की चीज़ें हैं, आस्ते आस्ते चल के आपको आगे काम आ सकती हैं। और ये जो है न्यू मॉम के लिए मैं ज़्यादा कहूँगी कि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें लाजमी होती है न्यू बॉर्न के लिए। तो नेक्स्ट आइटम है बेबी कैरी कोट, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, उसके साथ साथ ट्रेवल फ्रेंडली है, और ये भी बेबी के ननियाल वालों की तरफ से है और ये वहीं से ही बाय किया था। तो गाइज़ ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा डिसेंट है, ब्लैक कलर में है, साथ में पोल्का डॉट्स हैं वाइट कलर के, तो दिखने में चीज़ का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। और ये गाइज़ इतनी कोई काम की चीज़ है, जब भी आप कहीं ट्रेवल करें, खास करके हम लोग काफ़ी निकलना होता है शादी वगैरह में, तो बेबी को इसमें लिटा देते हैं, बेबी भी इजी रहता है और मदर भी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है चीज़, खास करके शादियों में मैं इसको बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया, मैं लेके जाती थी और बेबी को इसमें सुला देती थी, कौन वरना गोद में उठा के फिरे। अच्छा जी, तो ये है बेबी मैट टॉय, और इस पर आप बेबी को इस तरह लिटा सकते हैं और बेबी भी खेलता रहेगा, मसरूफ़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह हैंगिंग चीज़ें हैं, साथ में नीचे पियानो लगा हुआ है, बेबी के पाँव उसमें लगेंगे तो वो इस तरह म्यूज़िक बजेगा। तो ये मैं आप लोगों को इतना कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, लेकिन उन माओं के लिए है जो ज़्यादा बिजी रहती हैं और चाहती हैं कि उनका बच्चा भी मसरूफ़ रहे, तो बच्चे को इसमें लिटा देते हैं ईजीली, तो बच्चा भी खेलता रहता है। तो जी ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अब रमज़ान व्लॉग्स में, मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अब आपको देखने को मिलेंगे सहरी और अफ्तारी के व्लॉग्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।